अभी थोड़ा सा ही धसा, धसने के बाद धीरे धीरे करके पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बद्रीनाथ मेन हाईवे है, तो जो लोग भी उस तरफ थे उस तरफ रह गए, जो इस तरफ थे इस तरफ रह गए। क्या पुल तूटी रहा छे तो क्या कार पानी में वही रही छे। ઉત્તરાખંડ માં છેલ્લા કેટલાક સમયમાં થયેલા વરસાદ પછીની આ સ્થિતિ છે। ઉત્તર ભારતમાં થયેલા વરસાદે ગરમીમાંથી તો લોકોને રાહત અપાવી દીધી, પણ ઘણી જગ્યાએ વરસાદ આફત પણ બન્યો છે। ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે ઘણા સ્થળે ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે। ગત દિવસોમાં ઉત્તરાખંડના રામનગરમાં બદ્રીનાથ માર્ગ પાસેનો એક પુલ ભારે વરસાદ પછી ધરાશાયી થઈ ગયો હતો। और आज तेज बारिश की वजह से नाला आया, जिसकी वजह से वो पुल पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा बह चुका है। अब वहाँ से पूरा यातायात बंद हो चुका है। यहाँ से रानीखेत वाला रूट था, वो पूरा बंद हो चुका है। अभी तो प्रशासन ने जो है हरड़ा वाला रूट तैयार किया है, लेकिन अभी उसमें भी नाला चल रहा है, तो इस वजह से अभी वहाँ पे क्या है कि अभी बंद है। अभी कुछ देर बाद चालू हो जाएगा, कुछ देर बाद बारिश बंद होने के बाद। इस पुल से आवागमन होता था यहाँ से, जो लोग ये बद्रीनाथ मेन हाईवे है, तो जो लोग भी उस तरफ थे उस तरफ रह गए, जो इस तरफ थे इस तरफ रह गए। और हम लोग अभी घूम के आ रहे हैं, और बेसिकली हम लोग चौड़ी गट्टी होते हुए भवनखाल के रास्ते से अभी मोहन पहुंचे। આવી જ રીતે ઉત્તરાખંડના ખટીમામાં વરસાદ પછી પાણી ભરાઈ ગયું હતું। અહીં કેટલાય મકાન પાણીમાં ડૂબી ગયા। ખટીમા પાસે જ એક ટોલ પ્લાઝા છે જ્યાં આવી રીતે વરસાદી પાણી ભરાયેલું જોવા મળ્યું। અહીંના વનવાસા વિસ્તારનો એક વિડીયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં SDRFની ટીમ પૂરમાં ફસાયેલા કેટલાક લોકોને બચાવી રહી છે। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોનું હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું। કુમાઉં વિસ્તારના કમિશનર દીપક રાવતે તંત્રની કામગીરી વિશે જાણકારી આપી હતી। देखिए अभी हम यहां पे बनबसा के देवीपुरा इलाके में हैं। पिछले चार दिन से कुमाऊं में काफी बारिश हुई है। इनफैक्ट कल शाम से जलस्तर बढ़ने लगा था, और उसके बाद यहाँ पे मुनादी भी कराई गई थी, वार्निंग भी की गई थी, और आज सुबह फिर बहुत तेज बारिश हुई। इनफैक्ट बनबसा की बात करें तो लगभग 430 mm बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है, जो कि काफी ज्यादा है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से फिर सुबह इसकी समीक्षा भी हुई थी, डायरेक्शंस भी मिले थे, और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चला था। इसमें NDRF ने, SDRF ने, हमारी जल पुलिस है, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कंबाइंडली एक अच्छा ऑपरेशन चला, जिसमें कि लगभग 400 के आसपास इवैक्यूएशन हुए हैं, जिनको हमने अपने कैंप्स में भी भेजा है। बहुत से लोगों ने इस बात को प्रेफर किया कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जाएं। कैंप्स में जहाँ पे हैं वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, जो घरों पे भी स्टैंडर्ड है, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसमें की गई है।